जयपुर रे महिला को बंदूक मुनरे दुष्कर्म घटना जयपुर रे पहुंचला बीजेपी टीम पीड़िता को भेटिबा सह घटनार तदंत दाबी 24 तारीख दिन जयपुर रे घटितला एही घटना घरे थिले स्वामी स्त्री व छोटो पुओ राति 1:30 गुटे परे हठात दुई जण पसी आसीले घर भीतर को स्वामी को मुंडरे लगाइले बंदूक छोटो पिला को धरिले स्वामी व पुओ आगरे महिला को दुष्कर्म कले एने पीड़िता थाना रे अभियोग करथिले भी पुलिस से पर्यंत कोनोसी पदक्षेप नेला नाही जहार प्रतिबाद गतकाली बीजेपी करिछि 12 घंटिया जयपुर बंदर डाकरा दिया जायथिला अन्यपटे आज बीजेपी टीम ब्राह्मणी गांव रे पहुंचि तदंत आरंभ करिछि ए बाबदरे अधिक सूचना पाई मनोज दास हमर प्रतिनिधि सीधासळख जोडी होईछन्ते हम सहित मनोज बीजेपी गतकाली जयपुर बंद करिथिला 12 घंटिया बंद अभियोग परे बे पुलिस हात खाली पुलिस एबे पर्यंत हात बांधि बसिछि या समस्तक आश्चर्य करूछि निश्चित स्मृति लग्न देखु गत 24 तारीख मध्यरात्रि रे जो घटना घटी कोरापुट ब्राह्मणी गांव अंचल रे ताहा एक लोम हर्षणकारी दृश्य थिला बंदूक मुनरे स्वामी छुआ सामनारे गोटे महिला निरीह महिला गण दुष्कर्म करतीबादर स्वर गतकाल बीजेपी उठाई राज्य ठू आरंभ कर राजधानी ठू आरंभ करोरापुट जिले में मध्य काली 12 घंटिया बीजेपी तरफ आंदोलन डाकरा दि जाइए राजरास्ता अवरोध कर सही पीड़िता महिला को न्याय देवाई आज भुवनेश्वर स्वतंत्र महिला टीम आसी पहुंची जो कोरापुट ब्राह्मणी गाँव सारे आप दृश्य देखिपे पूरा राज्य सारा एवं यही महिला पीड़िता महिला न्याय देवाई स्वर उठाई आ पूर्व अनेक घटना एमती सामना को आसी जो महिला मानू के न्याय मिलनी पुणी आउ एक लोमहर्षणकारी दृश्य सामना को आसी तो जो बीजेपी महिला नेत्री आम सांगे जोड़े रही मैडम देखो जो भाया घटना आज कोरापुट घटी जाए हुए तो ओडिशा पे यह नुआ घटना नुहे किंतु एते सब घटना घटीगला पर मध्यो कौन एमती त्रुटि रही प्रशासन राज्य सरकार केमती कौन दुर्बलता रही कि आज पर्यंत कौन अभियुक्त गिरफ हो पारना कौन जगार पीड़िता को न्याय मिलूनी देखु माने बहुत दुखर आम पीड़िता पाखे बसीचु दुख आम बुझीपु आपड़ जदि क्यमेरा मुह को पकेबे मुह न देखा गले भी आखि दीटा बहुत किसी कहूँ तर आखि दीटा ही बहुत किसी कहूँ कि मानते सी के दुखर अच्छा मानी के मानसिक अस्थिरतार अच्छा कहीं गोटे महिला प्रति गोटे साधारण महिला जी कि गोटे सम्मानपूर्वक जीवन जहाँ जी भी रोजगार करी से चलुले कौन भूल रहा कि दीज एमती अपराधी आसिक सहित ये दुष्कर्म करे आप ठीक कथा कहले या नुआ कथा नुहे कोरापुट पर कहीं मानने आमर ये आप देखापे कि माधवीलता तापर कुंदुली कुंदुली पीड़िता एमती है कि मालकानगिरी रे जो पुलिस लोक कि गोटे महिला सहित मानने दुष्कर्म करतेमतीक केस ये अच्छे जो मैंने मानने बहुत जो मानी आम आंदोलन करोर उठीचु बहुत दुखर विषय कि गोटे पर गोटे ही चली आर कि करूनी मु जो आपण को जदि कह नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड रे आपण जदि देखिबे ओडिशा रे लक्षे उपरे लक्षे 30,000 उपरे केस गुड़ा आज पर्यंत ता विषय रे किछि हेनी माने सेतिकि पेंडिंग है कि आउ माने जो महिला मान प्रति जो दुष्कर्म सेटा माने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आपण देखिबे एई वर्ष 2020 रे 25,500 पाखापाखी माने जो क्राइम अगेंस्ट वोमेन सेटा माने ये है जो रजिस्टर्ड है जोटा कि पुलिस थाना रे रजिस्टर है एते बेसी कि आर वर्ष टू ए वर्ष 9 कि 10% बेसी बढ़ी जाइए किंतु दुखर विषय हूँ आम ये पीड़िता पाखे बसीचु आम कथा होमें धन्यवाद दौल कि सी स्वर स्वर उठे न डरिकी जो जो अपराधी मैंने अच्छा से मानू प्राय आम लोक मैंने चिन्ही जो दीज अपराध कर जो गणदुष्कर्म जो मैंने को लोक चिन्ही से मानकर बीजे बीजेडी रु संरक्षण मिली सेपट सपोर्ट मिलू जो 24 तारीख राति घटना हो सारापर भी काली कोरापुट बंद हो सारापर भी से लोक मैंने बुलूं आरेस्ट करईटा कौन मानने सफिसीएंट नुहे कि कहना कि शासक दल रिश्चित सपोर्ट मिलू जो सीए यही काम
ମାନେ ସିଏ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଆମର ରେକର୍ଡ଼ସ ଯେଉଁଟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ରେକର୍ଡ଼ସ ଅଛି ଏଇଟା ହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ କି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କେବଳ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ସତରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଆମର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜର ଏଲିଗେସନ୍ ଅଛି, ସିଏ ମୋରାଲିଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମାଗୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ମାଗୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରାଇମ ବଢି ବଢିକା ଯିବ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମହିଳା ଜଣକ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେଥିପ୍ରତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମଧ୍ୟ ନେତ୍ରୀମାନେ ସେଠାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କୋରାପୁଟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଆଶା କରିବା ଯେ ପୋଲିସକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଏତେ ବଡ଼ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଖୋଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନେ, ଆଠୁ ଆଉ ନିନ୍ଦାର କଥା କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।